Hello everyone, welcome to class number 24 of the chapter Data Structure. So, आज के class का हमारा discussion का topic है inserting a node at a certain position of the single linked list. आज के class में हम discuss करेंगे कि कैसे एक single linked list में कोई भी एक certain position, जिस position में हम चाहते हैं उस particular certain position में हम कैसे एक new node को हमारे single linked list में add कर सकते हैं, उसके बारे में आज के class में हम discuss करेंगे. जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंगल लिंक लिस्ट के एंड में हम कैसे एक न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट के बिगनिंग में हम कैसे एक न्यू नोड को ऐड कर सकते हैं. आज के क्लास में हम देखेंगे कि एक सिंगल लिंक लिस्ट के कोई भी एक सर्टन पोजिशन में हम न्यू नोड कैसे ऐड कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएटेड है. जिस पर्टिकुलर सिंगल लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हमने ऐड किया है. ओके, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड है उसके बीच में मैं क्या करना चाहता हूँ, एक न्यू नोड ऐड करना चाहता हूँ. ओके, सो ये फर्स्ट नोड है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है. सो सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन के बीच, यहाँ पे थर्ड पोजीशन में मुझे और एक नोड को ऐड करना है, और ये थर्ड पोजीशन में अभी जो नोड है उसको मुझे फोर्थ पोजीशन में रखना है. ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे उस न्यू नोड को क्रिएट करना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर न्यू नोड को मैं सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन के बीच में ऐड करना चाहता हूं. तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया पहले एक न्यू नोड, जिस पर्टिकुलर नोड को मैं एक पॉइंटर के थ्रू पॉइंट कर रहा हूँ. सपोज उस पॉइंटर का नाम है PTR2. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने नोड तो क्रिएट कर लिया, अभी हमें क्या करना है, सेकेंड नोड के बाद और थर्ड नोड से पहले यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर नोड को ऐड करना है. तो जबकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड को ऐड करना है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से जो हमारा लिंक्ड लिस्ट है उस लिंक्ड लिस्ट में हमें ट्रावर्स करके फर्स्ट नोड से उस पर्टिकुलर नोड तक आना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर नोड के बाद हमें न्यू नोड को ऐड करना है. तो किस पर्टिकुलर नोड के बाद मुझे न्यू नोड को ऐड करना है, इस पर्टिकुलर नोड के बाद. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग से इस पर्टिकुलर नोड तक ट्रावर्स करके करके आना पड़ेगा. तो ट्रावर्स करने के लिए हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा और एक पॉइंट ऑफ. तो मैंने लिया यहाँ पे और एक पॉइंट ऑफ PTR, जो कि अभी पॉइंट कर रहा है किसको, जो भी पॉइंट कर रहा है अभी हमारे फर्स्ट नोड को, क्योंकि ट्रावर्सिंग कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट नोड से. तो यहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, तो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है. तो फर्स्ट नोड से वो ट्रावर्स करके करके कहाँ तक आएगा, जिस पर्टिकुलर नोड के बाद हम न्यू नोड को ऐड करना चाहते हैं वहां तक आएगा. तो किस पर्टिकुलर नोड के बाद हम न्यू नोड को ऐड करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर नोड के बाद. तो इस पर्टिकुलर नोड तक वो ट्रावर्स करते करते आएगा. तो यहाँ तक ट्रावर्स करके आ चुका है. तो यहाँ तक ट्रावर्स करके आने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी प्रोसेस को थोड़ा समझने की अच्छे से कोशिश करना. मुझे इस पर्टिकुलर नोड को कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ बीच में, मतलब ये पर्टिकुलर नोड इसको पॉइंट करेगा, ये पर्टिकुलर नोड इसको पॉइंट करेगा. तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नोड को इसके साथ लिंक करेंगे. तो कैसे लिंक करेंगे, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. तो अभी PTR2 पॉइंट कर रहा है इस पर्टिकुलर नोड को, उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है, नल. इस वैल्यू को मुझे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो नोड हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो इसके बाद क्या नोड रहेगा, ये नोड रहेगा. इस नोड का एड्रेस क्या है, 3000. तो ये 3000 जो एड्रेस है, ये एड्रेस वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है, PTR पॉइंटर अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर नोड का वैल्यू है. तो अभी हम क्या करेंगे, PTR पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू हम असाइन करेंगे किसको, PTR2 पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन को. ओके, तो अभी इसका वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 3000. तो 3000 किसका एड्रेस है, इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस है. तो अभी ये जो न्यू नोड है अभी किसको पॉइंट करेगा, इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा. ओके, अभी ये हमारा लास्ट नोड हो चुका है, जिस लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है ये नोड. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर नोड के बाद जबकि हम इस नोड को ऐड कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर नोड अभी इसको पॉइंट करना चाहिए. तो उसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लेंगे, उसके लिए हम स्टेटमेंट लेंगे PTR link equals to PTR2. तो PTR पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू अभी हमें अपडेट करना पड़ेगा, और उसके जगह पे हमें किसका एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर नोड का. तो इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस क्या है, 4000, जो किसके पास स्टोर है, PTR2 पॉइंटर के पास. तो PTR2 पॉइंटर का वैल्यू मैंने असाइन किया PTR पॉइंटर के लिंक सेक्शन को. तो वहां पे उसका वैल्यू क्या हो गया, 4000, जो किसका एड्रेस है, इस पर्टिकुलर नोड का. तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है. तो हमें क्या करना था, इस पर्टिकुलर नोड को सेकेंड एंड थर्ड नोड के बीच ऐड करना था.
थर्ड पोजीशन में। तो अभी देखो ये नोड थर्ड पोजीशन में है या नहीं, ये फर्स्ट पोजीशन में है, ये सेकंड पोजीशन में है, ये थर्ड पोजीशन में है, ये फोर्थ पोजीशन में है। तो थर्ड पोजीशन में हमारा नोड अभी ऐड हो चुका है। तो अभी लिंक लिस्ट को अगर देखेंगे तो ये लिंक लिस्ट के फॉर्म में हमें मिलेगा, जहां पे चार नोड अभी आपको दिखाई देगा, जहां पे बीच में थर्ड पोजीशन में हमने न्यू नोड को ऐड कर लिया है। सो प्रोसेस समझ में आ गया कि किस प्रोसेस में हमें क्या करना है, एक न्यू नोड को कोई भी एक सर्टन पोजीशन में एक सिंगल लिंक लिस्ट में कैसे ऐड करना है। अभी इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक न्यू नोड को अगर हम लिंक लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जैसे एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमने एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया। सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, ऐसा एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट होने के बाद मुझे क्या करना है, एक न्यू डाटा वाला एक नोड ऐड करना है। किस पोजीशन में? थर्ड पोजीशन में। तो उसके लिए मैंने दो वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल डाटा जिसका वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया 70 डाटा वाला एक नोड मुझे क्या करना है, ऐड करना है। किस पोजीशन में? थर्ड पोजीशन में। तो मैंने यहाँ पे और एक वेरिएबल लिया पोजीशन जिसका वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया 3। ओके, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और ये जो थर्ड पोजीशन में है उसको मुझे आगे शिफ्ट करना है। थर्ड पोजीशन में मुझे न्यू नोड को ऐड करना है। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, और एक फंक्शन मैंने लिया है जिस फंक्शन को मैंने पास किया हेड पॉइंटर का वैल्यू। उसके बाद मैंने पास किया डाटा, जिस पर्टिकुलर डाटा नाम का एक नोड मुझे ऐड करना है। उसके बाद मैंने पास किया पोजीशन का वैल्यू, जिस पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे उस नोड को ऐड करना है। ओके, उसके बाद उस पर्टिकुलर फंक्शन के पास हम आते हैं। उस पर्टिकुलर फंक्शन में पहले हमने यहाँ पे पास किया डाटा एंड पोजीशन एंड हेड पॉइंटर का वैल्यू। हेड पॉइंटर का वैल्यू जो कि पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट नोड को। उसके बाद डाटा वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा एंड पोजीशन वेरिएबल एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। जो वैल्यू हमने कॉलिंग फंक्शन से पास किया था वो वहां पे मेमोरी स्पेस में स्टोर होके रहेगा। ओके, हमने पास किया था डाटा का वैल्यू 70 एंड पोजीशन का वैल्यू 3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या देखा था कि अगर एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, लिंक लिस्ट है। तो एक पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में अगर हम एक न्यू नोड को कोई भी एक सर्टन पोजीशन में ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज करना पड़ेगा। पहले तो एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जिस नोड को हम ऐड करना चाहते हैं, दूसरा बात हमें क्या करना पड़ेगा, और एक पॉइंटर लेना पड़ेगा जो कि हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड से ट्रावर्सिंग करते करते उस पर्टिकुलर नोड तक आए, जिस पर्टिकुलर नोड के बाद हम क्या करना चाहते हैं, न्यू नोड को ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पीटीआर पॉइंटर लिया, पीटीआर पॉइंटर जो कि हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जो कि ट्रावर्सिंग करने में हमें मदद करेगा। उसके बाद मैंने लिया पीटीआर टू पॉइंटर जो कि एक न्यू नोड को क्रिएट कर रहा है और उसको पॉइंट कर रहा है, उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू मैंने डाटा सेक्शन को वैल्यू प्रोवाइड किया जो कि हमने एज ए आर्ग्यूमेंट पास करके लाया था। यहाँ पे क्या है वैल्यू 70 और लिंक सेक्शन को वैल्यू हमने प्रोवाइड किया नल। राइट, क्रिएट हो गया हमारे यहाँ पे न्यू नोड। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ट्रावर्सिंग करना शुरू करेंगे। तो अभी हम जो ट्रावर्सिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नोड से ट्रावर्सिंग करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो कि जो हमारा पोजीशन का वैल्यू है क्या है, 3, मतलब मुझे थर्ड पोजीशन में न्यू नोड को ऐड करना है। तो ये फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है, और यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, मुझे न्यू नोड को ऐड करना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर नोड को मुझे फोर्थ पोजीशन में शिफ्ट करना है। ओके, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें कब तक जाना पड़ेगा, कब तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, जब तक हम सेकंड नोड तक नहीं पहुंच जाते। मतलब जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हम न्यू नोड को ऐड करना चाहते हैं उसके प्रीवियस पोजीशन तक हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करते जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे सेकंड पोजीशन तक ट्रैवर्स करते जाना है। मुझे अगर जिस पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे ऐड करना है, सपोज मुझे थर्ड पोजीशन में ऐड करना है, तो मुझे ट्रैवर्स करके किस पोजीशन तक जाना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन तक। अगर मुझे फिफ्थ पोजीशन में कुछ ऐड करना है तो ट्रैवर्स करके मुझे कहां तक जाना पड़ेगा, फोर्थ नंबर पोजीशन तक। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन का वैल्यू जो कि 3 लिया था, मैंने उसको डिक्रीज करके कर लिया 2, क्योंकि मुझे दो पोजीशन तक शिफ्ट करना है, क्योंकि मुझे थर्ड पोजीशन में ऐड करना है न्यू नोड को। तो यहाँ पे इसका पोजीशन माइनस माइनस, मतलब पोजीशन का वैल्यू मैंने डिक्रीज करके कर लिया 2, क्योंकि मुझे दो नोड तक ट्रैवर्स करना है, थर्ड नोड तक मुझे नहीं जाना, सेकंड नोड तक ट्रैवर्स करना है, ताकि मैं उसके बाद थर्ड नोड न्यू नोड को एज ए थर्ड नोड ऐड कर सकूं। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया व्हाइल लूप। ये लूपिंग कब तक चलेगा,
जब तक पोजीशन का वैल्यू वन नहीं हो जाता, तो पोजीशन का वैल्यू वन नहीं हो जाता मतलब क्या कि मुझे दो बार से दो पोजीशन तक शिफ्ट करना है। ओके, तो अगर मुझे दो पोजीशन तक शिफ्ट करना है तो एक एक करके वो वैल्यू डिक्रीज करेगा। ओके, वैल्यू अगर ये फर्स्ट पोजीशन ये सेकंड पोजीशन, अगर उसको उल्टा दें, ये सेकंड पोजीशन ये फर्स्ट पोजीशन, मतलब दो ही पोजीशन को हमें क्या करना है, ट्रावर्स करना है। दो ही पोजीशन को, दो ही नोड को हमें ट्रावर्स करना है। तो दो ही नोड को ट्रावर्स करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड किया, पोजीशन नॉट इक्वल्स टू वन, जब तक मतलब पोजीशन का वैल्यू जब तक वन नहीं हो जाता तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे पीटीआर जो हमारा पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है 2000। तो अभी पीटीआर का वैल्यू हो जाएगा 2000 और अभी हमारा पीटीआर पॉइंटर पॉइंट करेगा सेकेंड नोड को। ओके, तो जिस पर्टिकुलर नोड तक हमें पहुंचना था उस पर्टिकुलर नोड तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, अभी पोजीशन का वैल्यू क्या है, पोजीशन का वैल्यू माइनस माइनस, तो पोजीशन का वैल्यू क्या था टू। अभी पोजीशन का वैल्यू डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, पोजीशन का वैल्यू अभी डिक्रीज होके हो जाएगा वन। ओके, तो फिर से जाएगा कंडीशन के पास, चेक करेगा वन नॉट इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स, लूपिंग का काम खत्म। उसके बाद लूपिंग के बाहर आ जाएगा, लूपिंग के बाहर अभी क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, हमें यहाँ पे क्या करना था, जिस पर्टिकुलर नोड तक हमें पहुंचना था उस पर्टिकुलर नोड तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर नोड को यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए हम प्रोसेस क्या करते थे, पहले न्यू नोड के लिंक सेक्शन में हम अपडेट करते थे उसका एड्रेस पार्ट, और किसका एड्रेस प्रोवाइड करते थे, लास्ट नोड का, मतलब ये पर्टिकुलर नोड जिस नोड को पॉइंट करने वाला है उसका एड्रेस। तो उसका एड्रेस अपडेट करने के लिए हमने क्या स्टेटमेंट देखा था, ये ओके, पीटीआर टू पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू हम अपडेट करेंगे किस स्टेटमेंट के थ्रू, पीटीआर पॉइंटर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन के वैल्यू के थ्रू। मतलब ये जो हमारा नोड है ये जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड को अभी कौन पॉइंट करने वाला है, ये मतलब इसके लिंक सेक्शन में एड्रेस किसका होना चाहिए, इसका। तो इसका एड्रेस किसके पास है, पीटीआर पॉइंटर अभी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में। तो पीटीआर पॉइंटर के लिंक सेक्शन का वैल्यू हमने असाइन किया पीटीआर टू पॉइंटर के लिंक सेक्शन को, तो अभी उसका वैल्यू हो जाएगा 3000 जो कि इसका एड्रेस है। तो अभी हमारा पीटीआर टू पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है वो नोड पॉइंट करेगा किसको, अभी 3000 एड्रेस वाले नोड को, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये अभी हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर नोड अभी इसको पॉइंट करे, ये पर्टिकुलर नोड अगर इसको पॉइंट करे तो इसके लिंक सेक्शन में एड्रेस क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर नोड का, और इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस किसके पास है, पीटीआर टू पॉइंटर के पास। तो अभी हम क्या करेंगे, पीटीआर टू पॉइंटर के वैल्यू को असाइन करेंगे किसको, अभी पीटीआर पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन को। ओके, सो पीटीआर लिंक इक्वल्स टू पीटीआर टू, मतलब पीटीआर टू का एड्रेस कहाँ पे असाइन होगा, पीटीआर पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में। तो उसका वैल्यू अभी हो जाएगा 4000। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या प्रोग्राम किया था कि सेकेंड नोड एंड थर्ड नोड के बीच एज ए थर्ड पोजिशन में इस नोड को हमें ऐड करना है। सो ऐड हो चुका है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकेंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है। ओके, तो अभी देख सकते हो ये फर्स्ट नोड, ये सेकेंड नोड, ये हमारा थर्ड नोड पहले था, अभी थर्ड नोड ये हो चुका है और फोर्थ नोड ये हो गया। ओके, सो प्रोसेस पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू नोड को कोई भी एक सर्टेन पोजीशन में हम एक लिंक्ड लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा न्यू नोड ऐड करने का प्रोसेस खत्म हो चुका है। ओके, आप यहाँ पे प्रोग्राम खत्म कर सकते हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को मैंने इसीलिए लिखा है ताकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैंने जो न्यू नोड को एक सर्टेन पोजिशन में सिंगल लिंक्ड लिस्ट में ऐड किया वो सही से ऐड हुआ है कि नहीं, मुझे किस पोजिशन में ऐड करना था, थर्ड पोजिशन में। अभी हम क्या करेंगे, पूरा टोटल नोड को ट्रावर्स करेंगे फिर से, और ट्रावर्स करके देखेंगे कि हमने जिस पर्टिकुलर पोजीशन में न्यू नोड को ऐड करने की कोशिश की वो उस पर्टिकुलर पोजीशन में ऐड हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने और एक पॉइंटर लिया पीटीआर, जिस पर्टिकुलर पॉइंटर को मैंने असाइन किया हेड पॉइंटर का वैल्यू, क्योंकि हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट नोड को, और ट्रावर्सिंग हम कहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट नोड से। इसीलिए हेड पॉइंटर का वैल्यू मैंने असाइन किया पीटीआर पॉइंटर को, और ट्रावर्सिंग करते करते हम कहाँ तक जाते हैं, एंड नोड तक, और एंड नोड के पीटीआर एंड नोड के लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या होता है, नल। तो जब तक हम नल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा और एक एक करके हर एक नोड के वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, वही स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। सो पीटीआर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है किसको, फर्स्ट नोड को, जिस पर्टिकुलर नोड को हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ओके, तो पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नहीं, तो अंदर आएगा। पीटीआर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू क्या है, 40, तो प्रिंट करेगा 40।
उसके बाद अपडेट करेगा पीटीआर का वैल्यू, पीटीआर एरो ऑपरेटर लिंक, तो पीटीआर जिस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहे हैं उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है 2000, तो अभी पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू हो जाएगा 2000, और 2000 एड्रेस वाले नोड को वो अभी पॉइंट करेगा, तो फिर जाएगा ऊपर चेक करेगा कि पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नहीं, फिर अंदर आ जाएगा, तो अभी पीटीआर पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में वैल्यू क्या है 50, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 50, उसके बाद फिर से पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करेगा पीटीआर लिंक, तो पीटीआर पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है 4000, तो अभी पीटीआर का वैल्यू हो जाएगा 4000, वो पॉइंट करेगा अभी 4000 एड्रेस वाले नोड को, फिर जाएगा चेक करेगा पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आ जाएगा, फिर प्रिंट करेगा अभी पीटीआर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक से, उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू क्या है 70, प्रिंट करेगा 70, फिर अपडेट करेगा पीटीआर का वैल्यू पीटीआर लिंक, तो पीटीआर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है 3000, तो वैल्यू अपडेट हो जाएगा अभी 3000, ओके, फिर जाके ऊपर चेक करेगा, ऊपर जाके चेक करेगा तो नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा तो अभी पीटीआर पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 60, फिर अपडेट करेगा अभी पीटीआर का वैल्यू पीटीआर लिंक, सो पीटीआर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है नल, सो अभी पीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा नल, फिर जाएगा कंडीशन में चेक करेगा नल नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स तब प्रोग्राम खत्म, उसके बाद और कोई स्टेटमेंट था ही नहीं, तो तब तक हमारा वैल्यू क्या प्रिंट हुआ 40, 50, 70, 60, तो जब हमने लिंक लिस्ट पहले से बनाया था तब वैल्यू क्या था 40, 50 एंड 60, तो थर्ड पोजीशन में हम न्यू वैल्यू को ऐड करना चाहते थे, थर्ड पोजीशन में न्यू वैल्यू ऐड हुआ है नहीं, या नहीं ऐड हुआ है, सो इससे हमें कंफर्मेशन मिला कि हमने न्यू नोड को जिस पर्टिकुलर पोजिशन में ऐड करना चाहा उसी पर्टिकुलर पोजिशन में हमने न्यू नोड को ऐड कर लिया है। सो आई थिंक आज की क्लास में आपको समझ आ गया कि कैसे हम एक सिंगल लिंक लिस्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर सर्टन पोजीशन में न्यू नोड को कैसे ऐड कर सकते हैं, जिसको हमने डायग्रामेटिकली भी समझा और प्रोग्राम के थ्रू भी समझा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।